पानी आ गया ना, मैं डेविड आया हुआ है मेरे साथ में, हमको भी टेस्ट करवाने के लिए आए थे। 1700 इजिप्शियन पाउंड दोनों भी साथ लेके आए हैं। 1700 इजिप्शियन पाउंड लिए इन लोगों ने हमसे, और 1700 पाउंड दे के और कल सुबह रिपोर्ट मिलेगी। भाई सैंपल बड़े गंदे तरीके से निकाला है। हम सैंपल देके वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। डेविड ने बहुत सपोर्ट किया यार, अदरवाइज लैंग्वेज बैरियर और यहाँ पे क्यू जो थी ना वो बहुत बड़ी थी, और ये लोकल हैं तो इनका सपोर्ट बड़ा मिल जाता है आपको। कल सुबह 8:30 बजे मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। Saturday is off or working day? Yeah, but yeah, governmentally it is weekend also. But for private businesses, it is still you can start working on Saturday. Saturday. So, ganne ka juice. गन्ने काट के अंदर रखे हुए, अंदर मशीन लगा रखी है, तो गन्ने का जूस बड़ा फेमस है यहाँ पे गन्ने का जूस। And because it is planted here in Aswan, so it is okay. Always fresh. Oh, because they just planted it maybe yesterday or the day before. Ah, so it is always fresh. तो गन्ने का जूस भी फ्रेश होता है, मुझे आज पता चला। बना हुआ स्वाद है यार, मज़ा आ गया पी के। थैंक यू डेविड। लो भाई डिनर तैयार कर रहा हूँ मैं। इसमें मसाला है, मसाला बना दिया, प्याज काट दिया और तड़का वड़का लगा दिया। ये राजमा होते हैं, ये राजमा इसके अंदर डाल दूंगा तो ये राजमा बन जाएगा, और ये चावल उबाल दिए अपने, तो राजमा चावल बनाएंगे आज हम। तो बाबा जी का डिनर भी कभी कभी मस्त हो जाता है, आज राजमा चावल है बाबा का। पिछली 3 रात तक मेरा जो ठिकाना था वो ये था भाई, यहाँ पे इसके अंदर हमने टेंट लगा रखा था। ये जो डेविड का हॉस्टल है उसकी छत है, छत के ऊपर उन्होंने मुझे जगह दे दी थी कि भैया आप यहाँ अपना कैंपिंग कर लेते, तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो कैंपिंग करते हैं, वो यहाँ आप यहाँ कर लो ताकि नीचे किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और आपका काम भी चल जाए। तो थैंक यू डेविड फॉर ऑल दिस। लो जी पूरा टेंट वेंट पैक कर लिया और सामान इधर रख दिया है, अभी एक बैग और तैयार करना रहता है। ये बैग तैयार करके और हम निकलेंगे आज यहाँ से। तो पूरी कहानी तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि क्या हुआ था, क्यों मैं 4 दिन यहाँ पर रुका था, क्या क्या समस्या हुई थी। वीडियो के आखिरी तक जरूर देखना, मज़ा आने वाला है सही। क्या क्या आपके साथ बाहर हो सकता है ये सब पता चल जाएगा। नहाया नहीं हूँ यार, बगैर नहाए निकलने की सोच रहा हूँ। सो धन्नो इज़ रेडी, और ये इनका हॉस्टल है और पूरी बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे हम 3-4 दिन हमने बिताए। थैंक यू सो मच एंड टाइम टू लीव नाउ। तो थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ दोस्तों, बात क्या हुई कि हम कोविड टेस्ट कराने गए थे, कोविड हमारा पॉजिटिव दे दिया उन लोगों ने, फंस गए हम। सिम्टम ज़्यादा से कुछ थे नहीं, खांसी तो थी मेरे को, देखो मैं पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा थोड़ी बहुत खांसी तो थी मुझे, पर क्या था कि मैं जब इंडिया से निकला था तो मैंने एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए थे तो मेरे पॉजिटिव आ चुके थे, तो मेरे को कोविड तो हो चुका था पहले। फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन रेस्ट करूँ, मैं 3 दिन कोविड की वजह से जो अपना आपने देखा है कि ऊपर टेंट लगा के डेविड के यहाँ रुका। तो बता दूं भाई कि मैंने डेविड का घर छोड़ दिया था, वहाँ पे मुझे छत पे रहना पड़ रहा था, फिर मैं इस होटल में शिफ्ट हो गया हूँ यार, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, 30-32 डिग्री टेम्परेचर था, और अभी जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। तो इसलिए मैंने ये चेंज करने की सोची थी ताकि भाई मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ। और कल सुबह मैं कोविड का सैंपल दोबारा दे आया था, और आज अभी मैं रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ, और रिपोर्ट लेके और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा भाई। तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ रिपोर्ट लेने, देखते हैं दोबारा से क्या रिपोर्ट आती है। 6 दिन बाद में मैंने दोबारा से सैंपल दिया है, यहाँ पे क्वारंटाइन का कोई चक्कर नहीं है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ इनको $100 से मतलब है कि भाई $100 अगर एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो दोबारा कराने आएगा तो $100 फिर देगा। तो देखते हैं क्या रहता है आज दोबारा से सैंपल में। और ये थी कहानी, मैं ठीक हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। दोबारा पॉजिटिव दे दिया भाई, $200 लग चुके हैं। अब मेरा वीज़ा जो है वो है 7 तारीख तक वैलिड, 7 को मेरे को एग्ज़िट होना है, आज होगी है 5।
हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोविड आपको एक बार पहले एंटीबॉडीज आ चुकी हैं और उसके बावजूद आ जाए, तो समझ नहीं आ रहा इन लोगों की क्या माव आया है। खैर देखते हैं यार, कुछ कर नहीं सकते, हाथ में नहीं है कुछ भी। लो भाई, इसको बोलते हैं फूल, और ये फूल में क्या होता है दिखाता हूँ आपको। ये अंदर सलाद और राजमा की सब्ज़ी डाली हुई है इसके अंदर, और ये मैं तीन चार ले आता हूँ। एक रोटी के अंदर सलाद और राजमा की सब्ज़ी डाली हुई है, और यहाँ पे ना बैंगन को भी तल के खाते हैं लोग। सुबह नीचे एक शॉप है, वहाँ से ले आता हूँ। तो डेली का मेरा पिछले 15 दिन से जो डिनर है वो यही हो रहा है भाई, पर रोटी की कमी महसूस नहीं हो रही, अच्छी बात। लो भाई, आज तीसरी बार कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं, अभी निकले हैं। सुबह के बजे हैं 8, और यहाँ धूप बड़ी करारी हो गई है। लो भाई, तीसरी बार टेस्ट कराया और रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ। अभी रिपोर्ट का पता नहीं है यार, उम्मीद करता हूँ कि आज नेगेटिव दे दे यार। अब और पैसे नहीं है भाई फालतू के ख़राब करने के लिए, $300 लगवा चुका हूँ, 25,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ, तो देखता हूँ, वेट एंड वॉच। पानी की कैटल ले लिया इनसे, होटल वालों से। ये कैटल में मैं दिन में कॉफ़ी चाय ये बना के पीता हूँ, पूरे दिन मेरा यही शेड्यूल होता है। ये मैं संतरे खाता रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे, डेली मैं 1 किलो संतरे खाता हूँ और खीरे खाता हूँ, आजकल ये मेरी डाइट है। और ये देखिए, ये मैं सूप लेके आया था, तो ये सूप इंस्टेंट सूप है, घोलेंगे और ये बन जाएगी हमारी सूप। आजकल भाई लोग क्वारंटाइन का यही फ़ायदा उठा रहा हूँ, 14 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे, और टोटल क्वारंटाइन को 18 दिन हो गए हैं। तो कल दोबारा टेस्ट कराऊंगा, देखता हूँ। अपना हो गया तैयार सूप, और हम इसको पियेंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मज़ेदार बना हुआ यार, मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा रुको यार, मैं एक बार सूप निपटा के और आपको होटल का टूर कराता हूँ, होटल में कैसे कैसे है, और दिखाता हूँ आपको होटल। तो यही टूर रह गया अभी, जब तक मैं ये क्वारंटाइन कंप्लीट करके और रिपोर्ट नेगेटिव लेके आगे की तरफ ना निकलूँगा तब तक। ये रूम है भाई मेरा, ये सामान पड़ा है, ये देखिए, ये अपना एडिटिंग का जुगाड़। ये बाथरूम है, नीट एंड क्लीन है, छोटा सा है पर बढ़िया साफ़ सुथरा बाथरूम है। ये सारा सामान पड़ा है धनों का, पूरा भरा हुआ सामान है भाई। और ये खोलते हैं हम बाहर की तरफ, ये हमारी लॉबी है और ये पूरा शहर है ऐसवान सिटी, ये देखिए। नीचे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है और नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर देखिए शहर थोड़ा सा। और इसके सिक्स्थ फ्लोर पे जो है वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे नाश्ता होता है, वो नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ से व्यू भी बड़ा प्यारा आता है, पूरे नील नदी का व्यू आता है एक्चुअली 6th फ्लोर पे, यहाँ से तो आता नहीं है। तो ये मेरा है आसियाना, और इसके मैं लगभग मतलब इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 2000 के आसपास मैं पर डे के पे कर रहा हूँ पिछले 14 दिन से। तो भाई इस बार तो वाट लग गई है, पूरा इजिप्ट मेरा सबसे महंगा देश पड़ा है जिसमें कि मेरे को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, 6th फ्लोर पे इसका ब्रेकफास्ट है होटल में। अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है मेरे हॉस्टल होटल से। लो भाई, ये होटल का टॉप फ्लोर है जहाँ पे मैं बैठा हूँ आराम से, और यहाँ से ये व्यू आता है भाई, ये पूरी नील नदी का व्यू आता है। और यार ये हो गया, बुखार के बाद नहीं हो जाता जैसे, वैसा हो गया। ये ब्रेकफास्ट मिलता है, ये अंडा है, ये हम खाएंगे नहीं। और ये थोड़ा राजमा आ गया, बस राजमा एक, ये और थोड़ा दही है, जैम है, ये 2 ब्रेड है, थोड़ा जूस है। और पिछले 10 दिन से हम यही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई रेगुलर। पूरे इजिप्ट में जो लिफ्ट हैं वो बड़ी छोटी छोटी हैं और बड़ी अजीब सी हैं। ये रिसेप्शन एरिया,
और ये वेटिंग एरिया, कैन यू ओपन दैट, माई बाईसाइकिल इज देयर। ये दनो यहाँ पे खड़ी कर रखी है भाई, दनो वहाँ पे खड़ी है, तो ये भाई काम कर रहे हैं एक बार। तो भाई आज बहुत दिनों बाद बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा एटीएम जाके आना है, एटीएम से पैसे निकाल के लाने हैं थोड़े से। खजूर निकाल लिए मैंने, 2000 करके निकालने पड़ते हैं, 2000 की, 2000 इजिप्शियन पाउंड की मैक्सिमम लिमिट है, तो मैंने 6000 निकाले हैं अभी। क्या है कि मुझे होटल का पे करना है, दोबारा कोविड टेस्ट कराना है, तो भाई पूछो मत, इजिप्ट तो इतना महंगा पड़ गया ना कि सोचा भी नहीं था, जितना सोचा था उससे 5 गुना महंगा, 6 गुना महंगा। खैर कोई बात नहीं, चलता है यार, लाइफ है, इसी का नाम तो लाइफ है, इसी का नाम तो ट्रैवलिंग है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने को लेने के लिए, क्योंकि अब आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर निकला हूँ, क्योंकि 16-17 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो बड़ी बसें नहीं चलती, छोटी बसें चलती है भाई पूरे इजिप्ट में। बड़ी बसें सिर्फ और टूरिस्ट के लिए चलती हैं, और ये बस छोटी बसें होती हैं, इनको मैक्रो बसेस बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं वैसे तो, पर बोलने में लगता है जैसे मैक्रो बसेस बोली जा रही है। अब हमें वहाँ से कुछ खाने को लेना है। ये जो फूल बनता है इसको फूल बोलते हैं, ये राजमा तैयार हो रहा है, राजमा, एंड दिस वन इज फूल। सो ये फूल है, ये राजमा की सब्जी है, इसका काढ़ा बना देते हैं और इनमें डाल के देते हैं। मेरे फ्रेंड बन गए हैं, और पिछले 14 दिन से मैं इन्हीं के पास से खाना लेके जाता हूँ शाम को। अभी भी फ्रेंड। तो सो जब से क्वारंटाइन हुआ मेरा खाना यहीं से जाता है, और बस यहीं जाता है, फलाफल एंड फूल। थैंक यू अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ कुली कुली मर्द तूफान यार। थैंक यू अमिताभ बच्चन जी, आपने हमें यहाँ पे भी पूरे इजिप्ट में अमिताभ बच्चन के फैन आपको थोक के भाव में मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैं संतरे ले रहा हूँ, पहले मैं किलो के हिसाब से मांगूंगा तो ये बड़े आरामखोरी कर जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैंने 10 का मांगा है। शुक्रान वो कह रहा है कि कैमरा दिखा रहा हूँ अपने हाथ में लेके, देख रहे हैं भाई साहब। ये शो का है मेरे पास, मैं खुला नहीं है। बाय बाय, थैंक यू। चालू बन रहा था 40 काट के, और फिर बाद में बोला कि मैंने वापस रखा, तो बोला कि हाँ 10 दे रहा हूँ वापस। अब खुले करवाने के बहाने से गया है। चालू बनने की बड़ी ज़रूरत होती है यार इन लोगों को। एक्चुअली क्या है कि शुक्रिया, तो दे दिए भाई ने 90। क्या है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ इस शहर में, तो जब टूरिस्ट आता है तो फिर एराफेरी नेचुरल इसी चीज़ है, तो अभी भी 420 कर रहा है, इससे मैं रोज़ाना लेके जाता हूँ, तो भी आज कैमरा देख के थोड़ा चौड़ा हो गया है। कल हम चौथी बार टेस्ट के लिए दोबारा जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी 18 दिन हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, और फिर हम रोड पर आ जाएंगे और दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे।
तो तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।